बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रहती है। करिश्मा की लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। सबसे पहले उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से हुई, जिसकी काफी चर्चा थी। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले इनका रिश्ता टूट गया। इसके कुछ समय बाद ही करिश्मा की बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की खबरों ने लाइमलाइट बटोरी। दोनों की शादी धूमधाम से 2003 में हुई थी। इसके कुछ समय बाद ही करिश्मा की शादीशुदा जिंदगी चर्चा में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा ने संजय पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संजय ने हनीमून पर उन्हें दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, करिश्मा ने यह भी खुलासा किया कि संजय ने दोस्तों के सामने उनकी बोली तक लगा दी थी। इतना ही नहीं, करिश्मा ने जब 2016 में तलाक की अर्जी लगाई थी तो उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि जब वो प्रेग्नेंट थीं तो संजय ने अपनी माँ से कहा कि मुझे थप्पड़ लगाएं। दरअसल प्रेगनेंसी के चलते करिश्मा एक ब्लैक ड्रेस में फिट नहीं हो रही थीं और संजय को इस बात से गुस्सा आ रहा था। संजय और उनके घर वालों के ऐसे व्यवहार से तंग आकर करिश्मा ने तलाक मांग लिया था। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो संजय ने अपने बचाव में कहा था कि करिश्मा को सिर्फ उनकी धन दौलत से मतलब था। इस बात से करिश्मा के पिता रणधीर कपूर भड़क गए थे और उन्होंने संजय को थर्ड क्लास आदमी कह दिया था। रणधीर कपूर ने यह भी कहा था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि करिश्मा की शादी संजय से हो, लेकिन सबकी मर्जी के आगे वो चुप रहे। बता दें कि तलाक के बाद दो बच्चे कियान और समायरा की कस्टडी करिश्मा को ही मिली थी।